हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमटी यूट्यूब क्लासेस। बीबी फाइनल का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, यूनिट टू का लास्ट टॉपिक जो है हमारा एमआईएस एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट्स। की कौन कौन से डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट आते हैं एमआईएस के साथ साथ हम डिसीजन मेकिंग का टॉपिक कर रहे हैं। तो उसमें है प्रोसेस एंड मॉडलिंग इन डिसीजन मेकिंग। पहले हमने प्रोसीजर वगैरह करी है, आज हम कर रहे हैं प्रोसेसेस कौन कौन से यूज होते हैं। देयर आर टू बेसिक मॉडल्स इन डिसीजन मेकिंग, रैशनल मॉडल्स एंड नॉर्मेटिव मॉडल्स। दो तरीके के मॉडल्स हैं, रैशनल और नॉर्मेटिव। उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। रैशनल मॉडल्स कौन से होते हैं? द रैशनल मॉडल्स आर बेस्ड ऑन कॉग्निटिव जजमेंट्स एंड हेल्प इन सिलेक्टिंग द मोस्ट लॉजिकल एंड सेंसिबल ऑल्टरनेटिव। रैशनल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, रैशनल क्या होता है? लॉजिकल, जो हम सारी चीजें सारे डिसीजन लेते हैं रैशनल थिंकिंग के थ्रू, वो सारे हमारे रैशनल उसमें आते हैं। ठीक है, लॉजिकल जिसके अंदर हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। तो इसमें हम क्या है, हम मोस्ट लॉजिकल और सेंसिबल जो भी ऑल्टरनेटिव है उसे सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मच सच मॉडल्स इंक्लूड डिसीजन मैट्रिक्स एनालिसिस, पफ मैट्रिक्स, स्पॉट एनालिसिस, पेयर टू एनालिसिस एंड डिसीजन ट्रीज, सिलेक्शन मैट्रिक्स एक्सेट्रा। अ रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं ये? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेस एंड द रिजल्ट, considering all possible solutions, calculating the consequences of all solutions and comparing the probability of satisfying the criteria, selecting the best option। ये सारे ये स्टेप्स है, ये एक्शंस है जो एक रैशनल मॉडल में नॉर्मली लिए जाते हैं किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। देन हमारा सेकेंड मॉडल कौन सा है? नॉर्मेटिव मॉडल। नॉर्मेटिव मॉडल में क्या होता है? द नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग considers constraints that may arise in making decision such as time, complexity, uncertainty and inadequacy of resources। हम जो रैशनल मॉडल होते हैं उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू, लॉजिकल लॉजिक्स के थ्रू हम अपने डिसीजन तक पहुंचते हैं। और नॉर्मेटिव मॉडल में हम किस पे ध्यान, डिसीजन पे कैसे पहुंचते हैं? कंस्ट्रेंट्स को, कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिसीजन डिले हो रहा है या जो डायरेक्टली डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों के और ध्यान में रखकर हम डिसीजन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिसीजन मेकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट लिमिटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड वे में प्रोसेस हो रही है। अ पर्सन कैन मैनेज ऑनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये मॉडल ये ध्यान में रखता है कि एक जो पर्सन है एक टाइम पे एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही ध्यान में रखकर अपने डिसीजन ले सकता है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट करके रखना इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट इज जजमेंटल ह्यूरिस्टिक्स। अ पर्सन में यूज शॉर्टकट्स टू सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें जजमेंटल क्या है कि आप जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करो। अगर आप रूटीन में वो चीजें फॉलो कर रहे हो तो आप हमेशा उसका एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हो किसी भी चीज का। अगर आपको रेगुलर वे में कोई काम करना होता है तो शॉर्टकट के भी एक कंस्ट्रेंट है। हो सकता है कि वो सिचुएशन पहली सिचुएशन से डिफर हो और उस शॉर्टकट से एक्यूरेट रिजल्ट ना भी आए या आ जाए। देन इज सेटिस्फाइंग। अ पर्सन में चूज अ सोल्यूशन दैट इज जस्ट अ गुड इनफ। कि हमेशा सेटिस्फाई करने के लिए भी कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। हो सकता है वो अप्रोप्रिएट ना हो लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, हमें सेटिस्फाई कर रहा है हमारे बिजनेस को, हमारे जो भी चॉइस है हमारे, तो इसलिए हम उस बेसिस पे भी डिसीजन कई बार ले लेते हैं। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। इसके दो मॉडल्स हैं, रैशनल मॉडल्स एंड नॉर्मेटिव मॉडल्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे तरीके से कर लीजिए हम अपना। और नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है डायनेमिक डिसीजन मेकिंग। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग, जो हमारे टर्म्स है उसके अंदर एमआईएस के अंदर, वो है डायनेमिक डिसीजन मेकिंग यानी डीडीएम। इट इज अ सिनर्जेटिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स इन एन एनवायरमेंट दैट चेंजेस ओवर टाइम ईदर ड्यू टू द प्रीवियस एक्शन ऑफ द डिसीजन मेकिंग और ड्यू टू द इवेंट्स दैट आर आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। डायनेमिक यानी दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये डिसीजन वो होते हैं जो हम एक टाइम पर लेते हैं लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है या सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं हमें उस डिसीजन में कुछ वेरियंस लेके आने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। दीज डिसीजन मेकिंग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड रियल टाइम। ये हमेशा रियल टाइम डिसीजन होते हैं कि इस टाइम पे कौन सी सिचुएशन कौन से सर्कमस्टांसेस प्रिवेल कर रहे हैं, उनके बेसिस पे ही हम उन कॉम्प्लेक्स डिसीजन को लेते हैं। डायनेमिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग हाउ पीपल यूज देयर एक्सपीरियंस टू कंट्रोल द सिस्टम्स डायनेमिक्स एंड नोटिंग डाउन द बेस्ट डिसीजन टेकन देयर ऑन। इसमें यह है कि हर सिचुएशन को एक जो मैनेजर है, जो डिसीजन मेकर है, किस तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और प्रेजेंट सिनेरियो को भी किस डायनेमिक जो सिनेरियो है हमारा उसे किस तरीके से हर पॉइंट को नोट डाउन करके डिसीजन ले रहा है।
नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें क्या है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस इज टेक्निक यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द अनसर्टेनिटी इन द आउटपुट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल और सिस्टम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट्स इनपुट्स। कि हमारा क्या है अनसर्टेनिटी ऑफ आउटपुट्स ऑफ मैथमेटिकल जो मॉडल के अंदर होते हैं उसे हम इनपुट्स में किस तरीके से हम लेके आते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू अनसर्टेनिटी ऑफ इनपुट्स के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं इसमें हम ये चीजें ध्यान में रखते हैं। फ्रॉम बिजनेस डिसीजन परस्पेक्टिव द सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स एन एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स एज वेल एज अदर क्वांटिटीज टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी हैज नो बियरिंग ऑन अ डिसीजन और प्रेडिक्शन देन द कंडीशंस रिलेटेड टू क्वांटिटी कुड बी इलिमिनेटेड। कि हम इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर्स को ढूंढते हैं साथ के साथ हम क्वांटिटीज को भी डिसीजन लेने के लिए ध्यान में रखते हैं कि हम कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है और कौन सी कितनी क्वांटिटी ली जाती है तो उस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं और प्रेडिक्शन उस बेसिस पे करते हैं। और अगर हमें लगता है कि कंडीशन है वो जो क्वांटिटी से रिलेटेड है उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं तो उन्हें एलिमिनेट भी कर लेते हैं। दस सिंप्लीफाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इससे क्वांटिटी को एलिमिनेट करने से जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सिंपल हो जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आल्सो हेल्प्स इन सम अदर सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशंस है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन फ्यूचर डाटा कलेक्शन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल असम्पशंस टू ऑप्टिमाइज द टॉलरेंस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। इन सब केसेस में भी हम इस टेक्निक को इस डिसीजन मेकिंग टेक्निक को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटिक एंड डायनेमिक मॉडल। स्टेटिक मीन्स जो चेंज नहीं होते डायनेमिक दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो स्टेटिक मॉडल्स में क्या क्या चीजें हैं हमारी शो द वैल्यू ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स इन अ बैलेंस्ड सिस्टम वर्क बेस्ट इन स्टेटिक सिस्टम डू नॉट टेक कंसिडरेशन द टाइम बेस्ड वेरियंस। इसके अंदर टाइम बेस्ड वेरियंस हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये हमेशा स्टेबल रहते हैं एक जैसे ही रहते हैं क्योंकि ये कौन से स्टेटिक मॉडल्स हैं। Do not work well in real-time system. However, it may work in dynamic system being in equilibrium. ये हम real time में हम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि real time क्या है हमारा that keeps on changing that dynamic time. तो dynamic में हम इसे change use कब कर सकते हैं जब वो equilibrium में हो। equilibrium यानी एक simple एक stable pose में जब हम होता है हमारा उस time पे हम static models को use कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व लेस डाटा आर इजी टू एनालाइज इट प्रोड्यूसेस फास्टर रिजल्ट्स। ये भी इसके पॉइंट्स हैं। देन हमारा डायनेमिक मॉडल्स आते हैं। डायनेमिक मॉडल्स में क्या है कंसीडर द चेंज इन डाटा वैल्यूज ओवर टाइम। इसमें हमारे जो डाटा की वैल्यूज हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कंसीडर इफेक्ट ऑफ सिस्टम बिहेवियर ओवर एवरी कंसीडर इफेक्ट ऑफ सिस्टम बिहेवियर ओवर टाइम रिकैलकुलेट इक्वेशन एज टाइम चेंजेस। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है कैलकुलेशन भी हमें रिकैलकुलेट करना पड़ता है इक्वेशन को। कैन बी अप्लाइड ओनली इन डायनेमिक सिस्टम। ये हमेशा डायनेमिक सिस्टम में ही अप्लाई किया जा सकता है। ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हमारा है साइमल्टेनियस टेक्निक। इसमें क्या है साइमल्टेनियस इज अ टेक्निक दैट इमिटेट्स द ऑपरेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम ओवर टाइम। ये हमारा रियल वर्ल्ड ऑपरेशन है जैसे जैसे हमारे सिचुएशन होती है हम उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। साइमल्टेनियस टेक्निक कैन बी यूज टू असिस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग वेयर एनालिटिकल मेथड्स आर इधर नॉट अवेलेबल और कैन नॉट बी अप्लाइड। जहां पे हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स हैं या तो अवेलेबल नहीं है या फिर हम उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते उस टाइम पे हम साइमल्टेनियस टेक्निक्स को यूज करते हैं रियल टाइम में। सम ऑफ द टिपिकल बिजनेस प्रॉब्लम एरियाज वेयर साइमल्टेनियस टेक्निक्स आर यूज आर इन्वेंटरी कंट्रोल। ये रियल टाइम प्रॉब्लम है कई बार इन्वेंटरी की नीड ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड और कई बार कम होती है। ठीक है तो ये अकॉर्डिंग टू द टाइम बेस्ड है जिस टाइम पे जैसा हमें होगा हम उस अकॉर्डिंगली इन्वेंटरी कंट्रोल लगाएंगे। नेक्स्ट क्यूइंग प्रॉब्लम कई बार हमारा जो ट्रैफिक है यूज होता है कई बार कम होता है हमारे पास रिक्वेस्ट कब उस बेसिस पे हम क्यूइंग के लिए अपनाते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग की किस ये भी उसी चीज पे बेस्ड है कि हमारी जितनी प्रोडक्शन होनी है जितनी डिमांड है जितना ऑर्डर है उस बेसिस पे हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। देन ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स में क्या है ऑपरेशनल रिसर्च इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन्वॉल्विंग वेरियस एडवांस्ड एनालिटिकल मॉडल्स एंड मेथड्स अप्लाइड। इसके अंदर हम क्या करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारे एनालिटिकल साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल हम जो मेथड्स हैं मॉडल्स हैं यूज करते हैं किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। इट इनकम्पसेस टेक्निक्स सच एज साइमल्टेनियस मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्विक क्वेरी
sophisticated process models, econometric methods, data development analysis, neural networks, expert system, decision analysis and the analytical hierarchy process. ये बहुत सारे methods हैं operational research के अंदर जो हम operate करते हैं decision लेने के लिए. और techniques describe a system by constructing its mathematical models. इसमें mathematical models construct किए जाते हैं different. हर method ये जितने भी हमने method पढ़े हैं ये सारे operational research के ही हैं. Quoting, simultaneous, econometric, ये सारे हमारे हम ये operate करते हैं different situations के basis. नेक्स्ट हमारा है वो है ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग. ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इट रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर सेल्फ लर्निंग इन नेचर. इसमें क्या होता है, ये सेल्फ लर्निंग नेचर के प्रोग्राम होते हैं. ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी हमारा जो जैसे सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है ये. हाउएवर दीज प्रोग्राम्स आर नॉट ऑप्टिमल इन नेचर एज दे आर एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक्सपीरियंस बेस्ड इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप इस पर ऑपरेट करते रहते हैं आपको उस काम को और अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड है. मोस्ट बेसिक ह्यूरिस्टिक प्रोग्राम्स वुड बी बेस्ड ऑन प्योर ट्रायल एरर मेथड. ट्रायल एरर मेथड में आपको पता है कि आप एक 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 कर ऑपरेट करके देखते हैं, जो आपको सही लगता है देन उसे रिजल्ट आ जाता है आपका. ठीक है, ह्यूरिस्टिक टेक्स अ गेस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग यील्डिंग अ गुड इनफ आंसर रेदर देन फाइंडिंग अ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. हम बेस्ट नहीं ढूंढते, हम गुड ढूंढते हैं जो सही हो. ये इट इज बेस्ड ऑन अ गेस अप्रोच कि आप गेस लगाते हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा. जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है कि हम गेस वर्क पे काम करते हैं, चांसेस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे गेस वर्क पे हम डिसीजन लेते हैं कि एक एक ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम करते हैं कि किस तरीके से हमने ये मेथड अप्लाई किया, इसका क्या रिजल्ट आया, सही आया नहीं आया. नहीं आया तो नेक्स्ट देन नेक्स्ट, जब तक हमारे पास कोई सही सोल्यूशन नहीं आता. और लास्ट है इसके अंदर ग्रुप डिसीजन मेकिंग. ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग वेरियस इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप टेक पार्ट इन कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग. ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दैट प्रोवाइड सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. हमारा GDSS जो हमारा है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स इकट्ठे मिलकर किसी भी कोलैबोरेशन में काम करते हैं और किसी भी डिसीजन तक आपस में मतलब एक दूसरे की राय देखकर किसी भी डिसीजन तक पहुंचते हैं. इट फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन अमंग द ग्रुप मेंबर्स. डिसीजन आर मेड विद अ हायर डिग्री ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कंसेंसस एंड एग्रीमेंट रिजल्टिंग इन ड्रामेटिकली हायर लाइवलीहुड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. इसमें हम डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स हैं, अपने फ्री फ्लो होते हैं उनका आइडियाज का, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फ्री ऑफ माइंड होते हैं कि आप इजिली आप कोई आप बाउंडेशन नहीं होती, आप किसी भी तरीके से अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हो. ठीक है, फॉलोइंग आर द अवेलेबल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड DBS. कंप्यूटर बेस्ड कौन कौन से है इसके अंदर, डिसीजन नेटवर्क. दिस टाइप हेल्प्स द पार्टिसिपेंट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क और थ्रू सेंट्रल डाटाबेस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज कॉमनली शेयर मॉडल्स टू प्रोवाइड सपोर्ट. इसके अंदर हम नेटवर्क के थ्रू, ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू या किसी भी नेटवर्क शेयर नेटवर्क के थ्रू अपने ओपिनियंस अपने डिसीजन को शेयर करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब जगह एक होता है जो हर मॉडल कंप्यूटर जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पर सेम होता है और वहां पर आप अपने डिसीजन को आपस में नेटवर्क के थ्रू शेयर करते हैं. देन इज डिसीजन रूम. पार्टिसिपेंट्स आर लोकेटेड एट वन प्लेस दैट इज डिसीजन रूम. द पर्पस ऑफ दिस इज टू एनहांस पार्टिसिपेंट इंटरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग द फैसिलिटेटर. इसमें हम एक कॉमन रूम में सबको कलेक्ट करते हैं, सबके व्यू पॉइंट्स देखते हैं और एक फैसिलिटेटर होते हैं उनको एक लास्ट में फाइनल डिसीजन लेता है सबके व्यू पॉइंट को सुनने के बाद. फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. इसमें क्या है, ग्रुप्स आर कंपोज ऑफ मेंबर्स और सब ग्रुप्स दैट आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिसीजन रूम्स. दिस इंटरेक्शन विल इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज एंड ऑडियो विजुअल इन्फॉर्मेशन. कि चाहे जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है आजकल, तो व्हाट्सएप चैटिंग होती है, स्काइप पे आजकल जो स्टडीज हो रही हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात कर लो, जूम पे कर लो, तो ये सब टीम्स का है. टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपस में आप बात कर रहे हो. ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, बिग ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्योग्राफिकली या डिस्पर्स होते हो, अलग अलग जगह पे होते हो, तब आप इन मीडियम्स के थ्रू पे, कंप्यूटराइज मीडियम्स के थ्रू पे एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हो और अपने डिसीजन ले सकते हो ऑडियो विजुअल
रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो हमारी यूनिट टू खत्म हो गई है इसके साथ ही। तो इसमें यूनिट टू हमारी काफी लेंथी थी, इसके बाद यूनिट थ्री फोर फिफ्थ हमारी शॉर्ट है, उसमें वो हमारी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आप अच्छी तरीके से इसे हल कर लीजिए। यूनिट थ्री में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो हम पहले भी थोड़े से कर चुके हैं, तो इससे हमारी यूनिट थ्री जल्दी फिनिश भी हो जाएगी। इसमें आप अच्छी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम में इसमें आए तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।